नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी, उनका दाहिना हाथ माने जाने वाले प्रदीप मिश्रा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का टिकट, मोतिहारी लोकसभा चुनाव का टिकट बेच दिया है 9 करोड़ में। जी हाँ। और दूसरा आरोप था कि पहले उन्होंने उन्हें टिकट देने का आश्वासन दिया था और उसके एवज में उनसे करोड़ों रुपया वसूले। और सबसे खास बात यह है कि अपने निजी अकाउंट में, जी हाँ, पर्सनल अकाउंट में 90 लाख रुपया लिया, 45-45 लाख रुपये का RTGS करवाया, अपने निजी अकाउंट में पैसा लिया, विदेश यात्राएं की अपने पूरे परिवार के साथ, उस यात्रा पर 1.75 करोड़ से ज़्यादा का खर्च करवा दिया। और जब टिकट देने की बारी आई तो दूसरे को 9 करोड़ में टिकट बेच दिया। उपेंद्र कुशवाहा उस दिन तो नहीं बोले, लेकिन दूसरे दिन मीडिया के सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और कहा कि ये आरोप सरासर गलत है, लेकिन ये सच है कि प्रदीप मिश्रा ने उनके अकाउंट में 90 लाख रुपया दिया है, उनके पार्टी की रैली पर, पार्टी के संचालन में बहुत पैसा खर्च किया है, उन्हें विदेश भी घुमाया है, पूरे परिवार को विदेश की यात्राएँ कराई हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया है, लेकिन टिकट के एवज में मैंने कुछ लिया है, ये आरोप निराधार है। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। क्या अपराध हो गया? हमसे मांग लीजिए कभी, भाई हमारे पास, हम दे दिए। बिल्कुल। आप विदेश घुमाने के लिए कही गए, हम ही कहेंगे चलिए ना प्रदीप जी विदेश हम जा रहे हैं, टिकट हम ही कटाएंगे, रुकवाएंगे हम ही, तो आप चल गए, तो इसमें क्या आपका अपराध हो गया? जो कह रहे की ट्रांसफर किए तो अपने बोल रहे हैं कि हम टिकट के लिए नहीं दिए, मदद किए समय पर, मांगे हमसे, तो मांगे तो भाई कोई किसी से मांग सकता है? ये सब कहां से अपराध है, भ्रष्टाचार हो गया? कुछ भी इसमें भ्रष्टाचार जैसी कोई बात हो तो हमको बताए ना कोई भ्रष्टाचार इसमें हो गया। नहीं, बात तो सही है। हम जो आज बुलाए हैं कि आप लोग थोड़ा समझ लीजिए चीजों को, कितना छपे ना छपे आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो एक कंफ्यूजन रहता है कि आखिर मामला क्या है, मामला क्या है, वाला बयान दे रहे हैं और कह रहे टिकट बेच लिए, तो अभी टिकट बटवे नहीं किया, बेच लिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं कि मदद ली थी हमने, मदद के तौर पर उनसे 90 लाख रुपए की मांग की थी, अपने अकाउंट में लिया था पैसा, कोई चोरी नहीं किया था, और पैसा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो हमारे उनके बीच की बात है। जब पूछा गया कि भाई आपने अगर उधार लिया था, मदद लिया था, तो क्या 90 लाख रुपए लौटाएंगे प्रदीप मिश्रा को, इसका जवाब वो टाल गए और कहा कि ये प्रदीप मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की बात है, आपको क्यों बताएं। अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रदीप मिश्रा भी हैं, पूछेंगे कि क्या ये 90 लाख रुपया इन्होंने दान दिया है उपेंद्र कुशवाहा को या फिर ये पैसा मांगेंगे। आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। धन्यवाद। आप बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए, अपने अकाउंट में लिए, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये मदद थी न कि रिश्वत। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे आश्वस्त किया था कि पार्टी में प्रदीप जी हमारे बाद अगर कोई है तो आप ही है, तो काराकाट सीट से मैं लड़ूंगा या जो भी, जहां उजियारपुर लड़ू या काराकाट लड़ू, दूसरे सीट पे मैं आपको मोतिहारी जरूर लड़ाऊंगा क्योंकि आप लोकल हैं वहां के, और मोतिहारी होने के नाते मैं उसको आपको वहां से उम्मीदवार बनाऊंगा। इस नाते मैंने उपेंद्र कुशवाहा के अकाउंट में भी पैसे दिए, उनको पूरे विदेश हर कंट्री में ले गया मैं, बाली ले गया, मलेशिया, दुबई, आपको सिंगापुर, ढाका और हिंदुस्तान के भी हर जगह में पूरे परिवार के साथ हमारे साथ गए। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई साथी कहेगा कि हम आपको विदेश घुमा रहे हैं तो क्यों मना करेंगे? एक बात बताइए, उस समय उपेंद्र कुशवाहा एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए थे, ऐसे किसी के कहने पे कोई आदमी विदेश किसी के साथ चले जाएगा? इस तरह की बात कोई करे, इतना बड़ा लीडर, दोस्त मित्र ऑफर देगा तो क्यों नहीं जा सकता? दोस्त मित्र किस ऐसे ऐसे थे जब उन्होंने बोला था कि हम आपको कैंडिडेट बनाएंगे? मैं दोस्त मित्र नहीं था मैं उनका, मैं उनके पार्टी का कर्ता धरता था, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपको टिकट देंगे, इस नाते हमने उनकी मदद करी। कितनी मदद की होगी, पार्टी में कब से थे और कितनी मदद की? मैं पार्टी में शुरू से ही हूँ, और उपेंद्र कुशवाहा की जितनी भी रैलियां होती थी, चाहे वो गांधी मैदान में हुई, बिहार में प्रमंडल वाइज हुई, डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई, उसके बाद जो भी उनके पर्सनल इश्यूज होते थे, जरूरत होती थी, सब कुछ मैं देखता था, और कम से कम मेरे 14-15 करोड़ रुपया इस पार्टी में मैंने खर्च किया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो सवाल उठा रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया आपके पास आए कहां से?
मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मैं कारोबारी हूं। उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए कि ये जो मॉल बना रहा है उपेंद्र कुशवाहा, इसके पास कहां से पैसे आए? और ये जो टिकट बेच दिया मोतिहारी का शशि रुइया के साथ मिलके 10 करोड़ 9 करोड़ रुपए में, ये पैसे कहां रखा है? ये तो कह रहे हैं कि शशि रुइया के साथ अगर मैं धरती पर कहीं भी कभी भी मिला हो तो कोई साबित कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। शशि रुइया से अगर नहीं मिले, शशि रुइया का कंपनी का लाइजन ऑफिसर माधव आनंद उसको टिकट ऑफर किए तो ये तो जग जाहिर है, जामनगर में मिले हैं वो। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रहते हुए कांग्रेस के लोगों से मिलता है और कई ऐसे लीडरों से मिलता है, रात को छुप के गाड़ियों में अहमद पटेल से मिलता है कई प्राइवेट बंगले में, तो उसका प्रूफ क्यों नहीं दे रहा है उपेंद्र कुशवाहा कि हम, मैं मंत्री था तब भी हम कई लोगों लीडरों से मिले? इसीलिए कभी उपेंद्र कुशवाहा बताएगा क्या कि मैं रवि रुइया से मिला, शशि रुइया से मिला? उसका लाइजन ऑफिसर जो एक साल से पार्टी में प्लानिंग करके उसमें एंटर किया, उपेंद्र कुशवाहा ने उसको बैठाया और उसको उम्मीदवार घोषित किया, 1 जनवरी को लोधी एस्टेट के अपने बंगले पे उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि जी और पार्टी के मोतिहारी के जितने भी लीडर रन हैं आरएलएसपी के, उनके सामने ये कहा कि यहां से माधव आनंद उम्मीदवार होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि टिकट का बंटवारा हुआ ही नहीं, तय ही नहीं है कौन पार्टी कहां से लड़ेगी, फिर कैसे हमने तय कर दिया? उपेंद्र कुशवाहा सबको पागल बनाना छोड़ दे, पैसा भी ले लिया, घूमने भी चला गया और बोले कोई घुमाएगा तो चले जाएंगे, तो हम लोग कल भेज देते हैं 4-5 लोगों को उनके साथ कहीं घूमने चले जाए। आप पैसा मांगेंगे अपना जो दिए हैं? बिल्कुल मांगूंगा, मैं बिल्कुल 100% मांगूंगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे प्रदीप के बीच की बात हमारे और उनके प्रदीप की बात बीच की जब बात हुई थी टिकट की, तो वो तो बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी अनर्गल बातें कर रहे हैं। इसी नाते हमने मदद की थी, मुझे लगता था कि उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक विचारधारा का आदमी है, बहुत ही सज्जन आदमी है और हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में ऐसा लीडर कम होता होगा। लेकिन जब इसको इनके साथ रहने का मौका मिला तो मुझे समझ में आया कि ये दिखावे के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा और ये जो उनकी समाज है कोयरी समाज, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि 9 करोड़ में टिकट बेचा है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं एक वीडियो उपेंद्र कुशवाहा का, देखकर आप समझ जाएंगे कि जिस शख्स को 9 करोड़ रुपए में टिकट बेचने जाने का आरोप ये लगा रहे हैं, माधव आनंद, उन्हें भी टिकट उपेंद्र कुशवाहा नहीं देने जा रहे हैं। जी हाँ, आप उनकी बातचीत को सुनिए ध्यान से और अंदाजा लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। अब कह रहे टिकट बेच लिए, तो अभी टिकट बटवे नहीं किया, बेच लिए, टिकट बटेगा तो उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ लगेगा, इतना आसान समझ रहे हैं। अब सब बात हम नहीं बोलेंगे, बहुत बात बोलने से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए ना, कारा काट आपके साथी आपके खिलाफ लड़ेंगे और वहाँ श्राद्ध करने वाली की बात आ गई है, वो बात हम कल लिखे हैं ट्वीट में, एक देखे हम लिखे कि भाई साहब टिकट के लिए छोटे भाई को इतनी गाली देने से काम नहीं चलेगा, और थोड़ा जोर लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि टिकट के अभाव में उपेंद्र कुशवाहा का श्राद्ध कराने का जो सपना आपका है वो अधूरा रह जाए, टिकट न मिलेगा तो कैसे लड़ेंगे, इसलिए हम ये बात लिखे हैं। और कुछ जोर लगाइए, गाली दीजिए, तब शायद टिकट मिलेगा, इतना से कहाँ मिलेगा। ठीक है, इतना में नहीं मिलेगा, और कुछ लगा दे, अरे बंद कीजिएगा तो ऐसे हम बता देंगे, लेकिन असल में मीटिंग उटिंग नहीं है, आपको बताए मीटिंग उटिंग नहीं है। हाँ, सब लोग रहेंगे तो आज से कल तक बातचीत हो, इसमें ऐसा नहीं कि कोई जगह है कोई टाइम है, 15 के 14 डेट नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जल्दी से 15 को सर ऑल पार्टी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दिल्ली में, ऑल पार्टी माने आपकी पार्टी गठमा का गठबंधन, 15 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 14 के रात तक आप लोग फाइनल कर दो। देखिए हम लोग चाहते हैं कि आज का आज हो जाए, कल हो जाए, जल्दी हो जाए, समय नहीं है, जल्दी विवाद भी नहीं है ना, अब दिल्ली में जाकर हम लोग रहेंगे तो समय ना बर्बाद करेंगे, अब तो बिहार में रहना है ना सर, बिल्कुल तो आपने सुन लिया उपेंद्र कुशवाहा इशारे इशारों में कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है कि 9 करोड़ में हमने टिकट बेच दिया है, वो आरोप धराशायी हो जाएगा, आरोप लगाने वाले धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ और होने वाला है।
यानी कोई और उम्मीदवार मोतिहारी से हो सकता है। आप तो आरोप लगा रहे हैं कि माधव आनंद ने 9 करोड़ में खरीद लिया टिकट, उपेंद्र कुशवाहा संकेत दे रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ और हो जाएगा, यानी किसी दूसरे को टिकट मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही भ्रष्ट आदमी है और पूरे सीट को बेचने का काम इसने किया। अभी कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर में एक कुशवाहा उसको लगा दिए हजारी, सुरेंद्र कुशवाहा को, हजारीबाग में विजय भगत है उसको उम्मीदवार बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा अभी कुछ नहीं, पार्टी को बेच के पैसा इकट्ठा करने के काम में लगा हुआ है और जरूरत पड़ेगा तो ये मोतिहारी वाले सीट पे भी किसी और को दे के फिर पैसा ले लेगा। आपका कहना है कि माधव आनंद से पैसा ले लिया, सीट दूसरे को फिर बेच देंगे? ऐसा कर सकता उपेंद्र कुशवाहा, मैं इसे सहमत हूँ, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कर सकता है। लेकिन आप एक चीज बताइए प्रदीप जी, आप इतने दिनों तक पार्टी के कर्ता धरता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के दाहिना हाथ रहे हैं और इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये इथिक्स के खिलाफ नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं पूरे बिलो द बेल्ट वार नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा कमिटमेंट का पक्का आदमी है, अगर इसने हमें बोला है कि आपको उम्मीदवार बनाएंगे तो पक्का बनाएगा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उपेंद्र कुशवाहा हमको टिकट नहीं देगा, क्योंकि एक बार नहीं बार 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 बोला तभी बाहर गया, नहीं तो किस किस क्यों ले जाके कोई लीडर को कोई विदेश ले जाएगा, उसके अकाउंट में पैसा लेगा, पार्टी के लिए खर्च लेगा, रैलियों के लिए बोलेगा कि हमको ड्राफ्ट बना के दीजिए, पर्सनल कई इश्यूज होते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई साजिश करता कोई और है, यानी सूत्रधार कोई और है, उनका इशारा मुख्यमंत्री की तरफ है कि कोई चढ़ा बढ़ाकर इस तरह का आरोप लगवा रहा है। नहीं नहीं सब गलत बातें हैं, पार्टी में जब आपको जब अपने अकाउंट में पैसा लेना था तो छुप के ले लिए, छुप के आप कांग्रेसियों से भी मिल रहे थे एज ए मंत्री भारत सरकार, छुप के आप रुहिया से भी मिल रहे थे, तो ये छुपम छुपाई का खेल अब बिहार की जनता ने पकड़ लिया है और उपेंद्र कुशवाहा बचने वाला नहीं है। जैसे आप पैसा कैसे वसूलेंगे? हमने अकाउंट में दिया, व्हाइट कॉलर पैसा है मेरा, मैंने तो पार्टी के और भी कामों में जो पैसे दिए, बहुत सारे मैंने पैसे दिए हैं, टूर के जो उनके जो पैसे हैं, सारे एग्जीक्यूटिव क्लास में जाना, लग्जरी 7 स्टार ट्रीटमेंट मैंने दिया उनको, वहां 7 स्टार में रहना, तो ये सब सब लीगल है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पार्टी के आप नेता थे, पार्टी के लिए किया, भूल जाइए, बात आई गई। ऐसे कैसे भूल जाइए, आप कमिटमेंट करके भूल जाइए, और हम लोग जैसे किसान का मैं बेटा रहा हूं, मैंने अपने मेहनत से अपने दम से अपने आप को खड़ा किया, मैं उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ने वाला नहीं हूं, उपेंद्र कुशवाहा को मैं बर्बाद करके ही मानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा काफी आक्रोश में है और इनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ूंगा नहीं और जो उनके निजी अकाउंट में 90 लाख रुपया दिया है वो तो वसूलूंगा ही, साथ ही पार्टी के अकाउंट में, पार्टी के रैली में और उपेंद्र कुशवाहा के सुख सुविधा पर जो खर्च किया है 1 करोड़ रुपए वो भी वसूल कर रहूंगा। इनके दावे में कितना दम है, उपेंद्र कुशवाहा सच हैं या प्रदीप मिश्रा सच हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, आप ध्यान से इस वीडियो को सुने होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।